नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं सचिन यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई 2024 को है। इसी चरण में देश की हॉट सीटों में एक हैदराबाद की सीट है। यहां से AIMIM चीफ ओवैसी और भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन हार जीत के कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार एक्टिव हो गया है और फलौदी सट्टा बाजार को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए सर, जैसे स्टार्ट करते हैं अपने दर्शकों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले सर फलौदी सट्टा बाजार के जो क्या आंकड़े सामने निकल के आए हैं कि जो है देश के अंदर राजनीति में एक अलग प्रकार का माहौल बन चुका है, तो उसके ऊपर जो क्या राय है आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसा सवाल किया असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में, ये एक हॉट सीट कह सकते हैं इसको, और ये करीब करीब 40 साल से ये हॉट सीट है जी, क्योंकि इनका परिवार यहाँ से पिछले 40 साल से सांसद रहा है। पहले इनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, उससे पहले इनके दादाजी यहाँ पे सांसद थे, तो इस प्रकार से इनके परिवार के लोग यहाँ पर सांसद रहे, यानी कि इनको पिछले 40 साल से यहाँ पर कोई नहीं हरा पाया है जी। और जितना बड़ा अब ओवैसी जी का नाम भारतीय राजनीति में हो चुका है, वो मुसलमानों के प्रमुख लीडर के रूप में जैसे निकल कर आए हैं, उस वजह से उनकी सीट का महत्व लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है जी। लोग ये जानने के लिए जिज्ञासु हैं कि भाई उस सीट पर क्या होने वाला है जी, क्योंकि भाजपा ने इस बार एक मजबूत प्रत्याशी को यानी माधवी लता जी को इस सीट से उतारा है जी। और माधवी लता जी के तरफ जैसे वोटर का रुझान दिख रहा है, उस हिसाब से लोग जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या ओवैसी जी इस सीट से इस बार हार रहे हैं जी। तो सर, जैसा अभी आपने इस सीट का इतिहास बताया, लेकिन सर मैं यहाँ ये जानने का इच्छुक हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इस सीट के ऊपर पिछले 40-50 सालों के अंदर कौन कौन सांसद जो है वो रह चुके हैं और वो किस किस कम्युनिटी से जो है वो रहे हैं? देखो, जैसे पिछले 40 साल से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया दर्शकों को कि यहाँ पर ओवैसी जी का परिवार ही लगातार सांसद रहता आया है जी। वहीं मैं अगर सबसे पहले 1984 से बात करूं जी सर, तो 1999 तक सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जी जी यहाँ से सांसद थे। उसके बाद ओवैसी जी के पिता यहाँ से सांसद रहे और 2004 से लगातार ओवैसी जी इस सीट से सांसद रहे हैं जी। यानी कि करीब करीब 40 साल हो गए हैं ओवैसी जी के परिवार को इस सीट पर काबिज रहते हुए, यानी कि ये सीट किसी के भी खाते में अभी तक नहीं गई है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि फलौदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, तो आपको बता दूं कि फलौदी का सट्टा बाजार इस बार चौंकाते हुए बता रहा है कि इस बार इस सीट से ओवैसी जी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और माधवी लता जी इस बार इस सीट से विजेता साबित होगी, जो कि पूरे देश में 140 करोड़ दर्शकों के लिए एक चौंकाने वाले नतीजे होंगे अगर परिणाम कुछ ऐसा ही रहता है तो जी। तो सर, ये बात जो 140 करोड़ की आपने बात की वो तो बिल्कुल चौंकेंगे। यहाँ पे जो है जब हमारे सामने रिपोर्ट आई थी तो हम भी ये देखकर जो है चौंक गए थे। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि माधवी लता जी जो है इस सीट से खड़ी हैं और कहीं ना कहीं फलौदी सट्टा बाजार उनको विजय दिखा रहा है, यानी कि भाजपा की तरफ ये सीट जो है अपना रुख करती हुई दिखाई दे रही है फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर। तो मैं सर यहाँ पे दर्शकों को और जो है खुद भी ये जानना चाहूँगा कि जो ये माधवी लता जी हैं इनका क्या इतिहास रहा है और कैसे जो है ये इतनी बड़ी सीट है जो आप कह रहे हो कि इतने 40 सालों से इस सीट के ऊपर काबिज रहे हैं, तो उस उम्मीदवार को पीछे हराना जो है कि किस प्रकार का बैकग्राउंड जो माधवी लता जी के पीछे देखा जा सकता है? देखो, जैसा आपने सवाल किया कि माधवी लता जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जी, ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन माधवी लता जी का नाम तेलंगाना के सभी से अमीर पॉलिटिशियन में काउंट किया जाता है जी। अगर इनकी संपत्ति की बात करी जाए तो करीब करीब 221 करोड़ रुपए है जी, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि इनका दबदबा कितना होगा जी। अगर जिनके पास इतनी संपत्ति है तो इसका मतलब है प्रत्याशी तो काफ़ी मजबूत हैं। आपने हाल ही में आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया में भी इनके इंटरव्यू आए थे और वायरल भी हुए थे, लोगों ने सुने भी होंगे। अगर ये वहाँ से जीत हासिल करती हैं तो मेरे लिए, आपके लिए और हर एक दर्शक के लिए चौंकाने वाले नतीजे होंगे, उससे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे ओवैसी जी के लिए होंगे। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया, तो फिलहाल जो है हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो अंतरिम परिणाम है वो तो 4 जून को ही पता लग पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो फलौदी सट्टा बाजार है
उसके जो आंकड़े हैं वो हमने दर्शकों के साथ साझा किए और इसी प्रकार के जो आंकड़े हैं वो निकल के आ रहे थे। फिलहाल जो है मैं आपसे लेता हूं विदा। मैं एक बात दर्शकों से कह दूं कि हम इन आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं करते। फलौदी सट्टा बाजार ने इन आंकड़ों को जारी किया है, हमने आपको जैसे आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं वैसे हमने आपसे साझा कर दिए। और फलौदी सट्टा बाजार का जो इतिहास है वो भी एक बार जो है दर्शकों को दोबारा से जो है बताने। देखो फलौदी सट्टा बाजार का इतिहास कम से कम 500 साल पुराना है और ये एशिया का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है जी। और जो सट्टा बाजार में लोगों की जिज्ञासा रहती है इसलिए हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। हम इसके कार्य प्रणाली को और इनके कामों को किसी तरीके से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। असली परिणाम 4 जून को ही आएंगे, लेकिन लोगों को जानने के इच्छुक हैं, लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं इसलिए हम आपको लगातार अपडेट देते आ रहे हैं जी। तो फिलहाल हम लोगों से जो है जाने की आज्ञा लेते हैं और आज की जो चर्चा है वो यहीं समाप्त करते हैं। मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे हमेशा की तरह सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये हमारी चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे जो है कामों को आप बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है सुधार करने की या कहाँ पे कमी जो है आपको हमारी दिखाई दे रही है। साथ ही आपके अनुसार इस सीट से कौन विजेता हो सकता है उसके बारे में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी अगले ही प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।